भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लक्की प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ए, ए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोले नहीं, तू कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कठवे सर, ये जो सिरे पिछले लोकसभा सेशन में क्यों हुआ इतना हंगामा, दानिश अली और भदौरिया की क्या है कहानी, इन दोनों की क्या है राज जिसपे इतनी बवाल हुई है, पहले आप ये दानिश अली का वीडियो देखिए। समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूँ तो इस देश के की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई, लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेंस रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो IIT वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशन खोले उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है थी कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लक्की प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है, क्या ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा पिछले दिनों सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी
कि आईआईटी के एक डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ फ्लड आया है, यहां जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है। मतलब आईआईटी का डायरेक्टर, ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहां नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात लोग कर रहे हैं यार, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम डीआरडीओ में गए के साइंटिस्ट से मिले थे, 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था, हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, पोखरण के टेस्ट की बात हुई, 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ, लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया नहीं साहब हम करेंगे। आपने दानशली की वीडियो देख ली, आप भिदौड़िया की वीडियो देखिए, बचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब सिरे क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं ए उग्रवादी, बोले भी तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के दानिशली जी को जाता है। दानिशली जी प्लीज सिट डाउन, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी, अधीर बिदुरी इस बात के लिए पूरे ताव में आ गए और एक मुस्लिम एमपी को उसको कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी कहने लगे लोकसभा के भरी सदन में। इसी बात के लिए कि मोदी जी को चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई है, इसका श्रेय मोदी जी को नहीं बल्कि पिछले जितने प्रधानमंत्री आए हैं वो इसरो के लिए अपना योगदान दिए हैं, ये श्रेय सभी प्रधानमंत्री को जानी चाहिए, मोदी जी को अकेला श्रेय नहीं जानी चाहिए। इस बात पे बीजेपी के सांसद बुखला गए और एक भरी सदन में एक एमपी की, चुने हुए एमपी की इस तरह उसे आतंकवादी, मुल्ला, कटुआ बना दिए। ये एक प्रतिष्ठित और चुने हुए एमपी की भाषा है, ये तो भाषा कोई गली चौराहे और ये भाषा तो चर्चियों की है, चर्चियों की भाषा एमपी भी बोलने लगे। चुने हुए एमपी इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी चुने हुए अपने साथी एमपी का, उसे आतंकवादी, कटुए और मुल्ले बना के उसे भरी सदन में बेइज्जत किए, क्योंकि वो एक मुसलमान एमपी थे और वो मोदी जी को चंद्रयान 3 की श्रेय नहीं दे रहे थे, क्योंकि अकेला मोदी जी की वजह से जो इसरो इतने आगे बढ़ा है ये अकेले मोदी जी की वजह से नहीं बल्कि पिछले जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं सभी ने जी जान लगा के इसरो को आगे बढ़ाया है और हमेशा बढ़ाते रहे हैं। इनका श्रेय वाकई में मोदी जी को नहीं जानी चाहिए, अकेले सभी को जाने चाहिए, मोदी जी को भी इसमें अच्छे काम किए हैं, इसरो के लिए अच्छे काम किए हैं, मोदी जी को उतनी पूरा नहीं मिलनी चाहिए श्रेय, सभी को मिलनी चाहिए क्योंकि सभी ने इसरो में अपना योगदान दिया है। तो जय हिंद, आपने वीडियो देखा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।